पाकिस्तान की धमकी काम कर गई या बैकडोर डिप्लोमेसी, क्योंकि इंडिया अब बैकफुट पर चला गया। भारतीय वजीरे खेल अनुराग ठाकुर एशिया कप की मेजबानी और भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने या ना भेजने के मामले पर मैदान में आ गए, जिसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की उम्मीदें अब रोशन होने लगी हैं। इससे पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह ने तो साफ साफ कह दिया था कि इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, और तो और एशिया कप को ही पाकिस्तान से किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद खेलों की दुनिया में भूंचाल आ गया था। इंडिया और पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस में भी तशवीश की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि फैंस तो क्रिकेट देखना चाहते हैं। आखिर अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्या कह दिया कि क्रिकेट फैंस पर खुशी की लहर दौड़ गई? क्या दोनों मुल्कों के दरमियान एशिया कप को लेकर मुजाकरात शुरू हो गए? बीसीसीआई और पीसीबी का इस सारे मामले पर क्या रिएक्शन आया? इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने का फाइनल फैसला किसने करना है? भारत ने टीम पाकिस्तान भेजने के लिए कौन सी शर्त रख दी? क्या इस मामले में आईसीसी का कोई रद्दअमल आया? और अगर दोनों टीमें एक दूसरे का बायकॉट कर लेती हैं, तो किस मुल्क को ज्यादा नुकसान होगा? इन दिलचस्प सवालों के जवाब आपको देंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook व्यूवर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। दोस्तों, चंद दिनों से इंडियन टीम के एशिया कप में शिरकत करने या ना करने की कहानी हॉट इशू बनी हुई है, जहां तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थीं। अब भारतीय हुकूमत के वजीरे खेल अनुराग ठाकुर ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि भाई, भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने का फैसला तो इंडिया की होम मिनिस्ट्री यानी वजारत दाखला करेगी, और वजारत दाखला के वजीर हैं अमित शाह। और सुने, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं। मगर अब गेम सारी आ गई अमित शाह की वजारत के पास। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि हमें प्लेयर्स की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस फैसले का इख्तियार होम मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। अनुराग ठाकुर से जब सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेगा, तो इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत अगले साल T20 वर्ल्ड कप अपने मुल्क में कराएगा, वर्ल्ड कप को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इंडिया ने पहले भी वर्ल्ड कप की मेजबानी की है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि एशिया कप को पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाए, जिस पर पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दिया कि एशिया कप को तो कहीं मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और रही बात इंडियन टीम के ना आने की, तो फिर पाकिस्तानी टीम भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगी। इस धमकी के बाद इंडिया में भी हलचल मच गई, क्योंकि इंडिया के पास आईसीसी के बड़े इवेंट्स हैं, जैसे कि अगले साल को वर्ल्ड कप, फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर 2031 में ODI का वर्ल्ड कप भी होना है। और अगर पाकिस्तान इन तमाम इवेंट्स का बायकॉट करता है, तो इंडिया को इसका बेतहाशा नुकसान होगा। ये सब सिचुएशन देखकर इंडियन हुकूमत ने शायद अपने डिसीजन पर रिव्यू करने का फैसला किया। अनुराग का कहना था कि अगले साल भारत में वर्ल्ड कप होगा और टीम्स भी आएंगी, मगर हैरानकुन तौर पर आईसीसी ने अभी तक इस सारे मामले पर चुप का रोजा रखा हुआ है। मजाल है कि कोई उनकी तरफ से कोई बयान आया हो। इसी तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी पीसीबी ने खत तो लिख दिया है, मगर उनकी तरफ से भी मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। बस अगर माहौल गर्म है, तो वो पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट फैंस और मीडिया ही इस इशू को उठाए बैठा है। मगर सबकी ख्वाहिश है कि क्रिकेट हो, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर्स भी चाहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए। जैसे कि एशिया कप में रोहित शर्मा ने भी कहा था कि उन्हें पाकिस्तान में जाकर खेलने में कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इंडियन क्रिकेट टीम को एशिया कप के लिए पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।